हेलो दोस्तों, टेक्निकल रेमेडी चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे बात करने जा रहे हैं ओप्पो फाइंड एक्स 2 प्रो के बारे में, जिसकी फीचर से रिगार्डिंग लीक्स निकलकर सामने आ गई है। इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इस फोन में आपको क्या देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जो आपको इसकी लॉन्च डेट कन्फर्म की गई है, 6 मार्च को जो है इसे लॉन्च किया जा सकता है। यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले इस फोन की डिस्प्ले के बारे में, तो सबसे बेहतरीन डिस्प्ले सुपर एमोलेड पैनल के साथ 6.7 इंच का जो आपको QHD पैनल देखने को मिलेगा। इसकी रिफ्रेश रेट भी कंफर्म की गई है, 120 हर्ट्ज पे जो है आपको वर्क करेगा, और साथ में जो आपको 3K रिजोल्यूशन देखने को मिल सकता है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो ओप्पो फाइंड एक्स 2 प्रो में जो आपको एंड्रॉयड 10, साथ में जो आपको ColorOS 7 का एक्सपीरियंस देखने को मिल सकता है। प्रोसेसर के बारे में बात करें तो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है क्वालकम स्नैपड्रैगन 865 का प्रोसेसर, जो कि क्वालकम की तरफ से फ्लैगशिप और एक बेहतरीन प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाएगा। गेमिंग प्लस जितनी भी स्पीड से रिलेटेड सुविधा है आपको इस ओप्पो फाइंड एक्स 2 प्रो में देखने को मिल जाएगी। अब चलिए बात करते हैं इस फोन की कैमरा सेटअप के बारे में। तो यहाँ पे जो है कैमरा के बारे में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, क्योंकि ये एक फ्लैगशिप फोन है तो इसमें क्वाड कैमरा सेटअप होना चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू वेबसाइट और मीडिया लीक्स यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि ट्रिपल कैमरा स्लॉट इस फोन में देखने को मिल सकता है। 48 मेगापिक्सल का जो है आपको प्राइमरी लेंस होगा, और 12 मेगापिक्सल का जो है आपको दूसरा अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस होगा, और जो तीसरा लेंस है वो आपको 13 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप सुपर टेलीफोटो लेंस देखने को मिलेगा। इसकी मदद से जो है आप 60x का जो है ऑप्टिकल जूम कर सकते हैं। अब सेल्फी कैमरा सेटअप के बारे में बात करें, यहाँ पे आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा सेटअप इसी फोन में देखने को मिल सकता है। स्टोरेज के बारे में बात करें तो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया LPDDR5 का 12GB रैम, जो कि आपको रैम में जो है एक बेहतरीन ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिल जाएगा और बहुत बेहतर स्पीड आपको देखने को मिलेगा। 256GB का जो है आपको इनबिल्ट स्टोरेज देखने को मिल सकता है, और साथ में माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए एक्सपेंड करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं इस फोन की बैटरी के बारे में, तो यहाँ पे 4500 mAh का बैटरी दी गई है, जिसको जो है आप 65W का सुपर फ्लैश चार्ज के थ्रू जो है चार्ज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस फोन में, तो यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं की गई है। और उसके बाद रिवर्स चार्जिंग प्लस डेटा सिंकिंग के लिए USB-C और साथ में 3.5mm का हेडफोन जैक भी अवेलेबल हो सकता है। सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और कलर वेरियंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे कन्फर्म की गई है ब्लैक, ग्रीन और ऑरेंज कलर में जो है इसी ओप्पो फाइंड एक्स 2 प्रो को लॉन्च किया जा सकता है। अब उसके बाद बात करते हैं इस फोन की प्राइस के बारे में, तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप जो पिछले ओप्पो फाइंड एक्स से अगर है ना कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे जो है लगभग 40,000 के आसपास जो है इस फोन की प्राइस थी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जितनी भी वेबसाइट है वहाँ पे आपको 78,990 इसी सब के आसपास जो प्राइस बताया जा रहा है, लेकिन इतना प्राइस नहीं होगा। मेरा जैसा अनुमान है कि इसकी प्राइस जो है 45,000 से ज़्यादा नहीं हो सकती है बेस वेरियंट के लिए। अब आगे देखिए कि यह जो फोन लॉन्च होगा तो इसकी प्राइस क्या होगी, इसके बारे में हम आपसे जरूर अपडेट करेंगे। तो यही कुछ जो है ओप्पो फाइंड एक्स 2 प्रो के बारे में निकल कर सामने आई, जो कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया। अब आपका इसके बारे में क्या कहना है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। इस वीडियो को यहां तक देख लिए तो लाइक करना ना भूलें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर ले। हम आपके लिए सरप्राइज वीडियो जो है 4 से 5 दिन में लाने जा रहे हैं, वहां पे आपको एक बम्पर सरप्राइज देखने को मिलेगा। तो इसके लिए जो है आपको हमारे चैनल के साथ जो है ट्यून्ड रहना पड़ेगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ, और सपोर्ट कीजिए आपकी अपनी टेक्निकल रेमेडी फैमिली को।